हर युग में यहाँ पर आके बड़े बड़े महापुरुषों ने तपस्या की है। सतयुग में नर नारायण यानी खुद भगवान विष्णु ने यहाँ पर आकर तपस्या की थी, इसीलिए ये विष्णु का मंदिर है। त्रेता युग में भगवान राम ने यहाँ पर आकर तपस्या की थी। द्वापर युग में वेद व्यास जी ने आकर यहाँ पर तपस्या की थी, जिन्होंने सारे पुराण लिखे हैं। और कलयुग में खुद शंकराचार्य जी यहाँ पर आए थे, जो भगवान तुल्य हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर तपस्या की थी। तो आप महान भक्तों को भी समय मिल जाएगा ऐसी आशा करता हूँ, और आप भी यहाँ पर आकर दर्शन करेंगे। हिमालय के चार धाम हैं, गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती है, जमनोत्री जहाँ से जमुना जी निकलती हैं, बद्रीनाथ जहाँ के अभी आप दर्शन करेंगे, और केदारनाथ। बद्रीनाथ जी मोक्ष के दायिका हैं, केदारनाथ जी भक्ति के दाता हैं। लेकिन भारत के चार धाम हैं, ये तो हिमालय के चार धाम थे, भारत के चार धाम हैं रामेश्वरम, जहाँ पे विष्णु भगवान रोज नहाने के लिए जाते हैं, स्नान करने जाते हैं। बद्रीनाथ यहाँ पे भगवान तप करने के लिए आते हैं। जगन्नाथपुरी जहाँ पे भगवान खाना खाने के लिए जाते हैं, और द्वारका जहाँ पे भगवान सोने के लिए जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये चारों जगहों पे भगवान विष्णु भगवान नारायण दिन में चार बार हाजिर होते हैं। रामेश्वरम में भगवान राम है मानव स्वरूप में, द्वारका और जगन्नाथ में भगवान कृष्ण के मंदिर हैं, जिन्होंने मानव रूप में जन्म लिया था। लेकिन बद्रीनाथ में पालनहार विष्णु हैं, लक्ष्मीपति विष्णु हैं। तो जिन्हें लक्ष्मी की कामना हो, जिन्हें पालना हो, पालनहार के दर्शन करने हो, जो विष्णु के दर्शन करना चाहते हो, तो चारों धाम में यही जगह है। ये मंदिर का गेट है, अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, लेकिन अपने मित्रजनों और रिश्तेदारों को दर्शन करवाने के लिए मोबाइल का रिस्क लिया है। तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेष सुमिरन करत निषदन ध्यान धरत महेश्वरम, वेद ब्रह्मा करत स्तुति श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम। जब भी मंदिर में जाएं तो मंदिर के पीछे चने की दाल जरूर चढ़ाएं। ये जो अभी आप दर्शन कर रहे हैं, ये तप्त कुंड है। यहाँ पे इतना गर्म पानी है कि आदमी हाथ डालेगा तो गर्म हो जाएगा, और बाहर इतना ठंडा पानी है अलकनंदा जी का, उसमें भी आप हाथ डालेंगे तो हाथ आपका ठंडा हो जाएगा। मंदिर में जाएं तो मंदिर के पीछे चने की दाल चढ़ाना ना भूले। यहीं से स्वर्ग रोहिणी की यात्रा निकलती है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। पास में ही 300 मीटर पे है ब्रह्म कपाल तीर्थ, जहाँ पे पितृ तर्पण से गया जी से 8 गुना ज़्यादा फल मिलता है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। मस्तक पर यहाँ पे हीरा लगा हुआ है, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं भगवान विष्णु। विष्णु जी को अपना दरबार के साथ में विराजमान है उद्धव, नारद, नारायण, नर नारायण की मूर्तियाँ हैं। और बाहर अभी ये परिक्रमा कर रहे हैं, बाहर मूर्तियाँ हैं शंकराचार्य जी की, लक्ष्मी जी की, हनुमान जी की, घंटाकर्ण की। सात बद्री हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उत्तराखंड के फेवरेट मंदिरों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कुदरत गंगा जी की कई नदियों के मिलने के बाद बनती हैं गंगा जी, मुख्य नदी है अलकनंदा जी जो यहीं से मिलती हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने